तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? सचमुच में? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? मानेंगे लेकिन अगर करेंगे नहीं तो? पक्का करेंगे? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में आगे बढ़ जाओ। तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी नमन अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू अवर वेरी ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी, जिसमें आज अपन देखने वाले हैं आपके सीएमए फाउंडेशन के बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर नंबर 5 को। ये है हमारा पार्ट नंबर 5, जहां आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन। तो देखेंगे, समझेंगे बहुत ही इजी तरीके में कि भैया पब्लिक रिलेशन क्या होता है और क्यों ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हैविंग सेड दैट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन अपने टॉपिक के साथ, जिसका नाम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, जो कि है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है हम सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है, हमारे ना डीएनए में भी चलने लग गई है वो चीजें कि बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है। जो नया वर्ड है और जिसके ऊपर आज हमारा फोकस होने वाला है वो है आपका वर्ड पब्लिक रिलेशन। ये रहा यहाँ पे पब्लिक रिलेशन। आज अपने को बेसिकली ये समझना है कि पब्लिक रिलेशन होता क्या है और ये क्यों जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले इस वर्ड पे ही डिस्कस करते हैं, टेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नहीं, पहले म्यूचुअली डिस्कस करेंगे कि क्या मीनिंग इसका निकल के आता है। यहाँ पे फोकस करो, दो वर्ड है, एक है पहला पब्लिक, दूसरा है रिलेशंस। ठीक है, अब पब्लिक मतलब क्या होता है? पब्लिक मतलब हो गया जनता, हो गया यानी लोग, हो गए कस्टमर्स, हो गए इंडिविजुअल्स, हो गए एट अ लार्ज। ठीक है, पब्लिक का मतलब क्या हो गया? जनता, लोग, हो गए भैया बहुत सारे लोग को क्या बोलते हैं एक साथ में? पब्लिक बोलते हैं, सिंपल। दूसरा वर्ड है अपना रिलेशंस का, रिलेशंस मतलब क्या होता है? ठीक है, रिलेशन मतलब क्या होता है? आई होप मुझे ये समझाने की तुमको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप ऑलरेडी इस चीज में बहुत ही ज्यादा चैंपियन हो। अच्छा तो सिंपल से अब अपने को ये दो वर्ड को जोड़ देने, दैट इज पब्लिक रिलेशन, यानी पब्लिक के साथ रिलेशन मेंटेन करना, दैट इज अपना रिश्ता नाता मेंटेन करना पब्लिक के साथ। अब पब्लिक के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना जरूरी क्यों है? सिंपल सी बात भैया, हम मार्केट में रह रहे हैं, हमको अपने प्रोडक्ट्स से, हमको अपने सर्विसेज सेल करने, हम किसको करेंगे? पब्लिक को ही तो करेंगे। और अगर पब्लिक के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है तो क्या हमारा बिजनेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। एग्जांपल, हाल ही में आप बहुत सारी चीजें सुन रहे होगे, भैया बायकॉट बॉलीवुड चल रहा है, कितनी सारी फिल्मों को भैया बायकॉट किया गया। क्यों? क्योंकि उनमें जो एक्टर प्रोड्यूसर जो भी काम कर रहे हैं उनके पब्लिक के साथ रिलेशन अच्छे नहीं, यानी पब्लिक उनके साथ खुश नहीं है, तो इसीलिए उनके काम को लोग थिएटर में देखने जा ही नहीं रहे। जिससे क्या हुआ, जो भी फिल्म निकली, चाहे लाल सिंह चड्ढा हो या बहुत सारी हो, एक तापसी पन्नू की भी कोई सी आई थी पता नहीं मुझे, तो वो भी क्या हुई? फ्लॉप हो गई। क्लियर बात है? तो पब्लिक रिलेशन हमको समझ में आता है कि किसी भी बिजनेस को, कुछ भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ फिल्म लाइन की बारे में बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट वगैरह जिसमें आप डील वगैरह कर रहे हो, अगर आपके पब्लिक के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो आप क्या है मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एक और एग्जांपल बहुत पहले आया था, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं है तो मैं यहाँ पे कोट नहीं करूंगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, हम सभी को बताया कि इंडिया के लिए कश्मीर कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब पाकिस्तान वाली साइड में क्या होता है कि वहां पे एक सेपरेट वो डे मनाते हैं, कश्मीर आजाद दिवस या कुछ इस टाइप का, कश्मीर फ्रीडम डे, लिबरेशन डे, कुछ इस टाइप का डे मनाते हैं। अब जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो इंटरनेशनल एमएनसी है, तो इंडिया में भी वर्क करती है, पाकिस्तान में भी वर्क करती है। अब पाकिस्तान में जो कार कंपनी का वो हेडक्वार्टर्स था, ऑफिस था, उनके ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल वेरीफाइड ब्लू टिक हैंडल से और फेसबुक पेज वगैरह पे उन्होंने ट्वीट किया, मतलब फ्री कश्मीर या इस टाइप का, कश्मीर फ्रीडम डे या लिबरेशन डे, ऐसा करके उन्होंने ट्वीट किया। अब उससे क्या हुआ, वो कंपनी इंडिया में भी ऑपरेट करती है, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और अगर आप पाकिस्तान के नैरेटिव के हिसाब से चलोगे तो इंडिया में आपको काम करने नहीं दिया जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हमको पता है कि भैया इंडिया और पाकिस्तान क्या है, एनिमी कंट्री है, ठीक है। तो अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, यानी इनडायरेक्टली भैया आप जो हमारे इंटरेस्ट है, आप जो हमारी फीलिंग्स है, उसको आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तो उस केस में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने जो कार का ऑर्डर दे के रखा था उस पर्टिकुलर कंपनी को, उन्होंने कैंसिल किया, कार का बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया उस पर्टिकुलर कंपनी का, ठीक है, जिससे अगेन उनकी सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट सब पे इंपैक्ट आया और एट लास्ट जाके भैया कंपनी को माफी वगैरह मांगनी पड़ी कि हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, हमने कर दिया ऐसी मतलब, और उस ट्वीट को उनको वापस भी डिलीट करना पड़ा और भी वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहां पे उन्होंने पोस्ट किया था उनको डिलीट करनी पड़ी सारी चीजें। क्लियर हो गया? तो सिंपल सी चीज है भैया, अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस पब्लिक के साथ करोगे, आपस में चार दीवारी के अंदर दो चार लोग मिलकर बिजनेस नहीं कर सकते, प्रॉफिटेबल नहीं कर सकते। आपको बिजनेस करना है पब्लिक के साथ, और अगर पब्लिक के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है मतलब आपका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बट वहीं अगर आपका पब्लिक के साथ रिलेशन बहुत बढ़िया है तो भैया क्या होगा, आपका बिजनेस बहुत ही ज्यादा सही चलने वाला है। एक और एग्जांपल यहां पे दे देता हूं, जैसे आपने जरूर से नाम सुना होगा फिजिक्स वाला का, ठीक है, इंडिया की भैया एडटेक बन गई है कंपनी, वो यूनिकॉर्न बन गई है, ठीक है, एडटेक तो थी, यूनिकॉर्न बन गई है।
वहां पे आपने कहीं ना कहीं बहुत सारी बात इधर उधर जगह सुनी होगी कि भाई उनके जो रिलेशनशिप है स्टूडेंट के साथ वो बहुत बढ़िया है। स्टूडेंट फिजिक्स वाला को एज अ बिजनेस नहीं देखते हैं बल्कि एज अ इमोशन देखते हैं। हालांकि वो फिजिक्स वाला है एक बिजनेस, वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपर एक कंपनी है, बट फिर भी उनका कुछ कनेक्शन इस तरीके से है बच्चों के साथ कि वो उनको क्या करते हैं एज अ इमोशन देखते हैं। वैसे ही ऑन द अदर साइड अगर हम दूसरी एडटेक कंपनीज को देखें तो उनके रिलेशन कुछ काफी ज्यादा अच्छे नहीं है पब्लिक के साथ। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बेकार है, बट क्या होता है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी से या उनके वर्किंग स्टाइल से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है। उनके कोर्सेज प्रोडक्ट जो है वो काफी हाई रेंज में होते हैं तो वो अफोर्डेबल नहीं होते, प्लस उनको आफ्टर सेल सर्विसेज जो मिलती है, अगर आप सोशल मीडिया पे जाके थोड़ी बहुत रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती है कुछ कंपनीज की, सबको मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, कुछ कंपनीज की प्रॉपर नहीं होती, जिसके कारण कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है और आगे हम दूसरों को रिकमेंड नहीं करते हैं। तो यही हाल है कि भैया इतनी बड़ी बड़ी जो बाकी एडटेक कंपनीज है वो लॉस मेकिंग में, जो भी आप बड़े नाम अपने दिमाग में ला लो सारे इट इज लॉस मेकिंग, और फिजिक्स वाला क्या है जो यूनिकॉर्न है बट इट इज ओनली प्रॉफिटेबल एडटेक इन इंडिया। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि उनके रिलेशन जो है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपनी ऑडियंस के साथ, टारगेट ऑडियंस के साथ बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। क्लियर हो गया? इतने सारे वेरियस एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बता दिया कि भैया पब्लिक रिलेशन क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। अब अपन जंप करेंगे सीधा टेक्स्ट पे, ठीक है? डिस्कशन काफी हो गया, अब टेक्स्ट में जंप करेंगे। तो ये जो है ये वाला पैराग्राफ कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड एंड गो है, इसके आपके एग्जाम में भी कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है? अब इंस्टीट्यूट जबरदस्ती बनाना चाहे तो बना देगी, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। इसमें सिंपली वही लिखा है यहाँ पे कि जैसे जैसे बिजनेस के डायनामिक्स चेंज होते जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हम सभी को पता है कस्टमर को और कस्टमर और कंपनी का रिलेशनशिप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में अच्छी तरीके से चलने के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर है, ठीक है? कॉम्पिटिशन है, अगर आपको आपके कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है तो एक ही तरीका, दो तीन तरीके हो सकते हैं। या तो आपका प्रोडक्ट एकदम अच्छा हो, यूनिक हो, जो दूसरों के पास नहीं है, बट ऐसा तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, मोनोपोलीज बहुत कम है मार्केट में। तो क्या करें अपन, हम जो है सर्विसेज या अपने रिलेशनशिप को प्रॉपरली अच्छे से मेंटेन करके रखें तभी हम लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ पाएंगे। सिंपली ये चीज यहाँ पे दी हुई है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, तो इसको आप चाहो तो वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हो, अपन आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैंने सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर ली। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन, यानी सिंपल जो अभी तक मैंने मीनिंग बताया था वही यहाँ पे लिखा है, एक बार रीड कर लेंगे बस शगुन के लिए। Public relations can be defined as maintaining and sustaining a healthy relationship between the organization and public, employees, stakeholders and investors. ठीक है, एक अच्छा relationship, ठीक है, establish करना और उसको maintain करना किसके साथ, public के साथ, employees के साथ, stakeholders और investors के साथ, इसी को क्या बोलते हैं, public relation बोलते हैं। Public relation includes activity to ensure the smooth flow of correct information between the organization and the target audience. ठीक है, organization से जो भी इंफॉर्मेशन निकले करेक्ट निकले, स्मूथ तरीके से पब्लिक तक पहुंचे, ये क्या है, ये है पब्लिक रिलेशन का एक मोटिव, मकसद है। क्या है? ऐसी एक्टिविटीज जो इंश्योर करती हैं कि कम्युनिकेशन का फ्लो क्या हो, स्मूथ हो और करेक्ट इंफॉर्मेशन जाए ऑर्गेनाइजेशन से टारगेट ऑडियंस की तरफ, यही क्या है भैया पब्लिक रिलेशन के अंदर आता है। सिंपल, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ब्रांड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द आईज ऑफ ऑडियंस इंपैक्टफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्या है, लॉन्ग पीरियड के लिए क्या करता है, पब्लिक के इमेज में एक अच्छी, ठीक है, अपनी गुडविल क्रिएट कर देता है, एक बढ़िया इमेज बना देता है पब्लिक के दिलो दिमाग में कि यार ये कंपनी बहुत बढ़िया है। ठीक है, ऐसी कंपनीज आपके मन में भी आ रही होंगी जैसे टाटा वगैरह हो गई, उनकी इमेज क्या है पब्लिक के नजर में बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये क्या है, एक एग्जांपल हो गया यहाँ पे। आगे टारगेट ऑडियंस, ठीक है, ऊपर अपन ने टारगेट ऑडियंस बोला था, तो टारगेट ऑडियंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो टारगेट ऑडियंस यानी स्पेसिफिक वो पार्टीज, रिफर्स टू दोस पार्टीज टू हुम एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू डिलीवर इट्स इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट एंड मेंटेन रिलेशनशिप। यानी ऐसी ऑडियंस जिसको कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहती है और अपना कस्टमर बनाना चाहती है। जैसे अगर मैं अपने टारगेट ऑडियंस की बात करूं तो मेरा जो चैनल है वो किसके लिए, कंप्लीट कॉमर्स के लिए। ठीक है, कोई भी कॉमर्स का बच्चा इसको आके देख सकता है, बट ये क्या हो गई, मेरी ऑडियंस हो गई कि कहीं भी इंडिया में कहीं भी बैठा हुआ बच्चा, कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट मेरे चैनल पे आके कोई भी इन्फॉर्मेशन देख सकता है, पढ़ सकता है, सीख सकता है। बट मेरी टारगेट यानी एकदम स्पेसिफिक ऑडियंस क्या हो गई, मेरी एकदम स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस हो गई सीएमए स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने 12th के बाद सीएमए परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें भी अगर बात करूं तो फाउंडेशन पे, क्योंकि अभी तक मैं क्या कर रहा हूं, फाउंडेशन के लेक्चर्स वगैरह डाल रहा हूं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे, सीएमए और सीए के फाउंडेशन की क्लासेस 11th 12th की भी चलती है, बट अगर एकदम बेस अगर आपको लेते हुए बात करूं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे, तो मेरी टारगेट ऑडियंस है सीएमए परस्यूइंग स्टूडेंट्स या सीएमए एस्पिरेंट्स, क्या है मेरी टारगेट ऑडियंस, यानी ऐसी ऑडियंस जो मेरे लिए की रोल प्ले करती है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज और अपने क्या एक तरीके से रिलेशनशिप में अपना एस्टैब्लिश करना चाहता हूं, तो वो क्या हो गई मेरी टारगेट ऑडियंस। क्लियर, जैसे एग्जांपल हॉस्पिटल्स के लिए क्या हो गया, द टारगेट ऑडियंस वुड बी पेशेंट एंड देयर फैमिली गार्डियंस, फॉर द रिटेलर्स द टारगेट ऑडियंस वुड बी कस्टमर्स। ठीक है, हॉस्पिटल्स के लिए क्या हो गई, पेशेंट्स हो गए, उनके पेरेंट्स या गार्डियन हो गए, और एक रिटेलर के लिए क्या हो गया, उनके टारगेट ऑडियंस उनके कस्टमर हो गए, एज सिंपल एज दैट। क्लियर हो गया? हां जी सर, आगे बढ़ते हैं अपन।
फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशंस पे, पब्लिक रिलेशन का काम क्या क्या है। तो दो काम तो हमको अभी पता चल गए, एक तो क्या पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, और उसको दूसरा कंटिन्यू करना। इसके अलावा और क्या क्या होते हैं देखते हैं अपन। सबसे पहला है द मेन एम ऑफ पीआर इज टू क्रिएट पॉजिटिव एंड फेवरेबल रिलेशनशिप। सम बेसिक फंक्शंस आर कि कैसे अपन पब्लिक रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज पब्लिक रिलेशन पॉलिसी, डेवलप एंड रिकमेंड कॉर्पोरेट पब्लिक रिलेशन पॉलिसी एंड शेयर इट विद द टॉप मैनेजमेंट एंड ऑल डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर हमको पब्लिक से रिलेशन मेंटेन करना है तो क्या चीज करना चाहिए, पब्लिक की क्या डिमांड है, पब्लिक का किसी टॉपिक को लेके क्या नजरिया है, उसको समझ के हमको अपनी पब्लिक रिलेशन की पॉलिसी जो है बनानी चाहिए और उसको टॉप लेवल के साथ शेयर करना चाहिए फॉर देयर अप्रूवल एंड ऑल द डिपार्टमेंट ऑल्सो। ठीक है, समझिया। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट एंड प्रेस रिलीज। जब भी हम कभी कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी कोई प्रेस रिलीज कर रहे हैं, यानी न्यूज़पेपर पे या इधर उधर अपन अगर कुछ प्रेस रिलीज कर रहे हैं, कोई चीजों के बारे में बता रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो किस तरीके से हमको टोन यूज करनी है, क्या हमारी लैंग्वेज का तरीका होना चाहिए, वो सब देखेंगे अभी। प्रिपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्टेटमेंट स्पीचेस फॉर एग्जीक्यूटिव्स एंड प्रेस रिलीज आर टू बी प्रिपेयर्ड बाय द पीआर पर्सनल। पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन पर्सनल। ठीक है, पब्लिक रिलेशन का भी एक अलग से डिपार्टमेंट होता है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में, ठीक है, जो ये सब मैनेज करते हैं। इवन जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने लिए एक पीआर एजेंसी को हायर करते हैं, जो उनको बताते हैं कि आपको इंस्टाग्राम पे कब पोस्ट डालना है, कैसे पोस्ट डालना है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप कौन से ब्रांड को आपको करना है, कौन से को नहीं करना है, किसी टॉपिक में आपको क्या ओपिनियन देना है, सारा चीज उन लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ए टू जेड पब्लिक पब्लिक रिलेशन पर्सनल टू आर्टिकुलेट एंड प्रोजेक्ट पॉजिटिव इमेज ऑफ द कंपनी और प्रोडक्ट्स और पॉलिसीज। ठीक है, तो पीआर का काम क्या होता है, एक बढ़िया सी अच्छी इमेज बनाए रखना, एक पॉजिटिव इमेज बनाए रखना कंपनी के पीछे। एक एग्जांपल और आपको देता हूँ, जैसे अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था थोड़े टाइम पहले आदि पुरुष का ट्रेलर। ठीक है, लोगों को पसंद नहीं आया बिल्कुल, लोगों ने बोला क्या ये कार्टून बच्चे एकदम वीडियो गेम वाले वीएफएक्स है, क्या आपने काम कर रखा है। आदि पुरुष के लोगों को समझ में आया यार पब्लिक तो नाराज हो गई, उनको तो हमारा काम पसंद नहीं आया, अब हम क्या करें कि भैया लोग हमारी पिक्चर को देखने जाएं, क्योंकि उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा उसमें कर दिया है, कुछ 300-500 करोड़ अपने पिक्चर में लगा दिए। अब वो ऐसा तो नहीं कर सकते कि पूरा इसको भूल के एकदम स्क्रैच से बनाए, क्योंकि उसमें टाइम भी लगेगा और एडिशनल इन्वेस्टमेंट और लगेगी जो कोई करने को तैयार नहीं है। तब कर तो कुछ नहीं सकते, प्रोडक्ट रेडी हो गया, थोड़े बहुत उसमें इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, 2-3 महीना अभी रिलीज को बाकी है। और एक अच्छी इमेज बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया पता है, एक स्क्रीनिंग रखवा दी, ठीक है, एकदम थिएटर में, और फिर उनके तरफ से स्टेटमेंट आने लगी, उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से स्टेटमेंट आने लगी कि जो हमने काम किया है ना वो आपको मोबाइल की छोटी स्क्रीन में नहीं समझ में आएगा, उसका एकदम 3D एक्सपीरियंस अलग ही है जो आपको थिएटर में मिलेगा। ये क्या हुआ, पीआर वालों का काम, यानी जिस बात को लेकर पब्लिक कंसर्न थी उसको पूरी तरीके से पलटा के एक नया एंगल उसको दे दिया गया, ताकि अब क्या है पब्लिक के मन में डाउट आ रहे, हाँ यार ठीक तो बोल रहे, छोटी स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन में अंतर होता है, तभी तो हम मूवीज देखने थिएटर्स में जाते हैं। ठीक है, वरना वही मोबाइल में अगर हमको वो एक्सपीरियंस मिल रहा होता तो थिएटर्स का बिजनेस ही नहीं चलता। तो उन्होंने क्या किया, पूरे टॉपिक को कैसे डाइवर्ट कर दिया अपनी पीआर की मदद से, बड़े बड़े लोगों को, सेलिब्रिटीज वगैरह को, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को हायर करके उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करवाई कि हाँ हमने थिएटर में देखा उसका ट्रेलर, कुछ क्लिपिंग वगैरह देखी और 3D का मजा हमको आया, मोबाइल स्क्रीन में वो मजा नहीं, पूरे टॉपिक को घुमा दिया, ताकि क्या हो यही सारी न्यूज आर्टिकुलेट होते रहे, सर्कुलेट होते रहे कि भैया कि हाँ यार थिएटर में अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे पब्लिक एक बार तो सोचे कि यार थिएटर में जा सकते हैं, इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होगा, एक बार थिएटर में एक्सपीरियंस करके देखते हैं, और एक ही बार पहले दिन ही बहुत सारे लोग जाएंगे तो वहीं से उनकी रिकवरी जो है मूवी की चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरा गेम घुमाया जाता है। पब्लिक का कंसर्न किस पे था, VFX पे, कि भैया जो एनिमेशन वगैरह हुई है, अगर और सिंपल भाषा में बोलो VFX CGI जो एनिमेशन जो है वो एकदम बच्चों लेवल की है, वो बिल्कुल भी लेवल की नहीं है। ठीक है, अब उनको उन्होंने VFX से पूरा मुद्दा हटा के 3D पे ले गए कि भैया जो 3D है उसका मजा आपको थिएटर्स में ही आएगा। तो इस तरीके से जो है पीआर एजेंसीज वगैरह काम करती है, एकदम प्रैक्टिकल रियल लाइफ रीसेंट एग्जांपल आपको दे रहा हूं, और कहीं भी किसी चैनल पे भी आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं पब्लिसिटी पे, किसी भी चीज की हमको पब्लिसिटी करानी, कोई नया हम अगर स्टोर ओपन कर रहे हैं, कोई नया वर्टिकल अपन लॉन्च कर रहे हैं अपने बिजनेस में, जैसे अभी तक हम कार्स वगैरह बना रहे थे, अब ज्वेलरी के बिजनेस में अपने को जाना है, या स्कूटर वगैरह खोलना है, ठीक है, टू व्हीलर्स वगैरह बनानी है, और बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह बनाने हैं, तो उसको लॉन्च करने के लिए पब्लिक के बीच में मार्केट में माहौल बनाना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं, पब्लिसिटी बोलते हैं। तो मेकिंग अनाउंसमेंट्स ऑफ द कंपनी एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट्स टू मीडिया टू रीच द जनरल पब्लिक एंड अदर स्टेक होल्डर्स, इट इंक्लूड्स प्लानिंग प्रमोशनल कैंपेन्स फॉर द बिजनेसेस एंड आंसरिंग इंक्वायरीज फ्रॉम प्रेस एंड पीपल एट लार्ज। लोगों तक इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचानी है, पब्लिसिटी करनी, पब्लिसिटी यानी क्या, पब्लिक को पता हो कि भैया हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्या नया चीज आ रही है। ठीक है, तो ये आपको पहुंचाना है, कैसे पहुंचाओगे, कोई भी प्रमोशनल मैसेज करना है, मीडिया को कैसे जवाब देना, किस तरीके से बात करनी चाहिए, क्या स्टेटमेंट रिलीज करनी है, सारा पार्ट होता है पीआर का। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग रिलेशनशिप। ऊपर तक हमने क्या कर लिया, रिलेशन को प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, अब हमको मेंटेन करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या करेंगे भैया, तो द पीआर इज इंटेंडेड टू मेंटेन गुड एंड कॉर्डिनल रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट यूनिट्स एट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, एज वेल एज द कम्युनिटी।
दिस इंक्लूड्स कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू लोकल एंड कोऑपरेटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन लोकैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम कर रही है तो उसमें अपना सहयोग दे दिए, खुद से ध्यान रखे कि भैया हमारी ऑर्गेनाइजेशन से इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म ना हो, हम ऐसे प्रोडक्ट बनाए या अगर हम थोड़ा बहुत पोल्यूशन कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री से अगर धुआं निकल रहा है तो वो प्रॉपर फिल्टर होकर निकले, कोई केमिकल वेस्ट हो रहा है तो वो प्रॉपरली ट्रीट होकर हम उसको वाटर्स में डंप करें ताकि भैया वाटर की क्वालिटी और जो उसमें मरीन लाइफ है उनको कोई भी तरीके का डैमेज ना हो। लोकल लोगों को हम इंप्लॉयमेंट दे सकते हैं, उनके लिए कुछ अवेयरनेस कैंपेन वगैरह या कुछ स्कूल हॉस्पिटल चैरिटी वगैरह का काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन रहता है पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। सिंपल। लास्ट इज पब्लिकेशन, ठीक है। प्रिपेयरिंग एंड पब्लिशिंग इन हाउस मैगजीन्स इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ पीआर। मेजर एरियाज ऑफ पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज आर प्रेस कॉन्फ्रेंस, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद रेजिडेंट्स लाइक लोकल कम्युनिटी, बैंक्स, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स एंड कस्टमर्स एक्सेट्रा। पब्लिकेशन करनी है भैया, मैगजीन वगैरह छापनी है आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करनी है, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया इंटरेक्शन, ये सब आपको कैसे करना है, ये सारे आपको कौन गाइड करेंगे, पीआर एजेंसीज या आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो पीआर का डिपार्टमेंट है वो सब आपको बताएगा कि आपको कैसे कैसे काम करना है। सिंपल। तो ये क्या थे फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन, यानी पब्लिक रिलेशन में जो लोग वर्क करते हैं वो एक्चुअल में काम क्या करते हैं। तो एस्टैब्लिशिंग और मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद द पब्लिक, उसके लिए वो क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, सारी चीजें अपन ने यहाँ पे डिस्कस करी कि क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, प्रेस रिलीज में कैसी स्टेटमेंट करनी है, पब्लिसिटी के लिए क्या हमको किस तरीके का एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहिए, रिलेशन कैसे मेंटेन करना है, चैरिटी का काम कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी काम वो करते हैं। सिंपल। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन पे। ये भी क्या है, सिंपल रीड एंड गो टॉपिक है, समझाने लायक इसमें कुछ नहीं है, मैं रीड करते जाऊंगा और ऑटोमेटिकली आपको यहां पे समझ में आते जाएगा। पहला पॉइंट, रिमेन काम कंपोज एंड डिग्निफाइड एंड पीसफुल। काम कंपोज और पीसफुल हमको रहना है जब भी कभी हम पब्लिक में हो। दूसरा पॉइंट, अंडरस्टैंड द वांट्स एंड रिस्पॉन्ड क्लियरली टू द पब्लिक। पब्लिक की जो भी नीड है, जो भी उनकी वांट है, आप उनको समझो और उनको क्लियरली रिस्पॉन्ड करो। जैसे कि मैं हमेशा करता हूं, आप कोई भी कमेंट करते हो कि सर ये क्या हो गया, ये नहीं समझ में आया, ये चीज हमको बता दो, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर कर देता हूं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज टेल द एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द पब्लिक। ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल में पिक्चर क्या है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग स्टाइल है, ये पब्लिक को बताना। फिर फोकस ऑन एक्शन इंस्टीड ऑफ वर्ड्स टू अपील द पब्लिक, ठीक है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड, तो हवा हवा में बातें नहीं करनी, काम करके दिखाना है, तभी क्या है पब्लिक के बीच में हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगी। जैसे मैं सिर्फ यहाँ पे बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको काम करके दिखा रहा हूँ। मैं अगर बोल रहा हूँ कि आज की डेट में भी अगर YouTube में आपको CMA फाउंडेशन की बिजनेस कम्युनिकेशन न्यू सिलेबस के कोई भी लेक्चर नहीं मिलेंगे तो मतलब नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैं खुद प्रॉपर रिसर्च करके ही कोई भी बात यहाँ पे बोलता हूँ, वरना मैं बोलता ही नहीं। आज भी आप जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, आज मतलब अब जिस डेट पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ या जब तक ये पब्लिश हो जाएगी। अगर आप मान लो आप 2-3 साल बाद वीडियो देख रहे हो तो तब तक तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं, बट आज भी ठीक है अक्टूबर के महीने में भी किसी ने भी आपको कहीं पे भी हमारे चैनल के अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन की कोई भी लेक्चर्स नहीं मिलेंगे फॉर न्यू सिलेबस। तो ये क्या है, मैं एक्शन, मेरा फोकस क्या है, एक्शन पे, इंस्टीट्यूट्स ऑफ वर्ड पे, ठीक है। मैं काम करके आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, करके भी दिखा रहा हूँ आपको। आगे अडॉप्ट द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, ठीक है। पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आपको आपकी स्ट्रेटजी है वो लाइकवाइज बनानी चाहिए। नेक्स्ट इज रिलीज द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइज इन द रियलाइज दैट द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक। ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि आपकी सक्सेस बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक पे डिपेंड करती है, तो आपको उनके हिसाब से काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज एंटीसिपेट पब्लिक रिलेशंस एंड एलिमिनेट प्रैक्टिसेस दैट मे हिंडर द गुडविल। हमको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारी गुडविल जो है वो इंपैक्ट हो जाए, गुडविल हमारी कम हो जाए, पब्लिक की नजरों में हम गिर जाए, हमको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, क्लियर हो गया। या हमारे बारे में कोई भी रूमर्स फैल रहे तो एंटीसिपेट, ठीक है, उस रूमर्स को बस्ट करो, ठीक है। जैसे रूमर्स फैलते हैं कि आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, परसों आएगा, तो ये काम है कि भैया सच बात क्या है वो आपको पब्लिक तक पहुंचानी है ताकि पब्लिक में कंफ्यूजन केओस क्रिएट ना हो। सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेगेटिव पब्लिक रिलेशन। नेगेटिव पब्लिक रिलेशन क्या है, तो नेगेटिव पब्लिक रिलेशन रिफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ बैड इमेज ऑफ अ कंपनी इज क्रिएटेड। किसी कंपनी की बैड इमेज यहाँ पे क्रिएट हो जाना, ये क्या हो गया नेगेटिव पब्लिक रिलेशन। अब हमने ऊपर पढ़ा कि पब्लिक रिलेशन हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो रिलेशनशिप है पब्लिक के साथ वो पॉजिटिव हो, बढ़िया हो, स्मूथ काम कंपोज हो। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि भैया नेगेटिव पब्लिक रिलेशन हमारे क्रिएट हो जाते हैं, पब्लिक के साथ हमारे जो रिलेशंस होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। कई बार कंपनीज ये चीजें जानबूझ के भी करती हैं ट्रिगर करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए, बट कई बार ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, अगेन बॉलीवुड फिल्म्स वगैरह का तुमको मैं एग्जांपल देता हूं। लाल सिंह चड्ढा आई थी, नेगेटिव पब्लिक रिलेशन ऑलरेडी क्रिएट हो गया था, उसके लिए उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, पब्लिक ने अपने आप बोला नहीं देखेंगे, मतलब नहीं देखेंगे, सिंपल चीज। एक दूसरी पिक्चर आई थी उसके भी कई साल पहले जो थी पद्मावती, जिसका नाम चेंज करके पद्मावत हो गया। अब उसमें क्या हुआ, पब्लिक रिलेशन को नेगेटिव धीरे धीरे किया गया, अपने आप वो होता गया, ठीक है। पब्लिक बोल रही थी, मतलब जो करनी सेना वाले लोग थे उन लोग बोल रहे थे कि हमको पिक्चर दिखाओ, हमको डाउट है कि यहाँ पे कुछ गलत पिक्चराइजेशन की गई है। अब जो उस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे संजय लीला बंसाली जी, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि भैया मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधा थिएटर में रिलीज करूंगा, ऐसा पिक्चर में कुछ भी नहीं है, आप फालतू की बातें बना रहे हो। इससे क्या हो रहा था, आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे थे, कहीं पुतला जल रहा था, कहीं कुछ स्टेटमेंट निकल रही थी, इससे इनडायरेक्टली
इनडायरेक्टली क्या हो रहा था, पिक्चर को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा था, मूवी को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा था। जो जान भी नहीं रहे थे कि इस नाम की कोई मूवी रिलीज होने वाली है वो भी अब जानने लगे, और उन्होंने सोचा यार इतना कुछ बातचीत हो रही है, इतनी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है इस मूवी के आगे पीछे, तो एक बार जाके जरूर देखना चाहिए। तो ये क्या होता है कि नेगेटिव पब्लिक रिलेशनशिप से भी कई बार फायदा हो जाता है। जैसे एक पिक्चर और थी वो उड़ता पंजाब, उसके लिए भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है, बार बार सेंसर बोर्ड उसको रोक रहा था, मल्टीपल कट्स के लिए उनको बोल रहा था, ठीक है, और कई बार उसको डायरेक्टर्स वगैरह एग्री नहीं थे कि ऐसा नहीं होगा, फिर पिक्चर में कुछ बचे गए हैं, तो क्या बहुत ज्यादा हाइप बिल्ड हो गया था उसके अराउंड। आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज आ रही थी कि अब रिलीज नहीं होगी, रुक गई है, ये है वो है, तो जिससे क्या था, जो नहीं जान रहे थे या जो इंटरेस्टेड भी नहीं थे उस पिक्चर को जाने के लिए, वो भी उनके मन में भी यार एक बार देख के तो आते हैं, इतनी क्या बात हो रही, क्या है ऐसा पिक्चर में, और वो पिक्चर अगेन हिट हो गई थी बॉक्स ऑफिस पे जाके। तो ऐसा होता है कि पब्लिक रिलेशन कभी कभार नेगेटिव हो जाते हैं, जिसका बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट होता है। लाल सिंह चड्ढा देख सकते हो, एकदम फ्लॉप हो गई वो पिक्चर, और कई बार नेगेटिव पब्लिक रिलेशन से हमको फायदा भी हो जाता है, कंट्रोवर्सी से भी कई बार हमको फायदा होता है। तो दोनों चीजें प्ले हो सकती है, अब कंपनी के ऊपर है कि वो किस तरीके से कितनी इफेक्टिवली चीजों को यूज करते हैं, सिंपल। नेक्स्ट इज इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन। अब अगर आपको एक अच्छे पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, कब आपके पब्लिक रिलेशन को इफेक्टिव माना जाएगा। सबसे पहले अवेयरनेस, अगर आपकी कंपनी के बारे में, आपके काम के बारे में लोगों को पता है, मतलब आपका पब्लिक रिलेशन बढ़िया है। इन्फॉर्मेशन मस्ट रीच डिजायर्ड इन इट्स डिजायर्ड फॉर्म फॉर इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन। जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके टारगेट ऑडियंस तक, वो पब्लिक तक उसी तरीके में पहुंचनी चाहिए जिस तरीके से आपने डिलीवर किया या जो आपका इंटेंशन था। फिर एक्सेप्टेंस, अगर आप कोई भी चेंज करते हो या कोई भी आप नई चीज लाते हो तो पब्लिक का उसको एक्सेप्टिंग एक्सेप्ट करना चाहिए पब्लिक को, ठीक है। द ऑडियंस मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द मैसेज इंटेंड टू कम्युनिकेट दे और टू एग्री विद द मैसेज, वो आपके मैसेज आपके इन्फॉर्मेशन के साथ एग्री करें। तो इससे क्या होता है, ये समझ में आता है कि आपका जो पब्लिक रिलेशन है सही चीज चल रहा है। अगर आप आउट ऑफ द वे भी कुछ चीजें कर रहे हो और पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती है तो क्या है, आपका पब्लिक रिलेशन बढ़िया है, काफी अच्छा है। थर्ड एक्शन, द ऑडियंस ऑट टू गिव फीडबैक टू द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंगली। ऑडियंस को भी एक्ट करके अपना जो फीडबैक है वो भी देना चाहिए, मतलब अगर दे रही है अगर पब्लिक आपको, तो समझ जाओ कि आपका पब्लिक रिलेशन क्या है, आपका पीआर जो है वो सक्सेसफुल है। अगर बिना मांगे ही पब्लिक आपको ओपिनियन दे रही है, आपको बता रही है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक अगर आ रहा है तो समझो आपका पीआर जो है वो काफी सही है। तो ये क्या था, चेक करने के तरीके कि भैया आपका जो पीआर है वो प्रॉपरली इफेक्टिव है या नहीं है। क्लियर है? हाँ जी सर। जैसे टू कंक्लूड आगे लिखा है, पब्लिक रिलेशन इज सिंपल सिंपली एन एफर्ट टू प्रेजेंट वंस ऑर्गेनाइजेशन इन द बेस्ट पॉजिटिव लाइट। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है यहाँ पे पीआर का, दैट इज उबर, थैंक यू फॉर नॉट राइडिंग। आप सभी को पता है कोविड समय में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो उबर ने एक अपना पीआर कैंपेन चलाया था। क्या पीआर कैंपेन था, उबर ने पोस्ट किया और ट्वीट किया और लिखा क्या, थैंक यू फॉर नॉट राइडिंग। यानी जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जब गवर्नमेंट बोल रही थी कि आप घर से बाहर नहीं निकलो, तब उबर बोल रहा था कि थैंक यू आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, आप हमारी सर्विसेज को यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब उबर का काम क्या है, जितना ज्यादा लोग उसकी सर्विसेज को यूज करेंगे, ठीक है, बाहर जाएंगे घूमेंगे, उनकी गाड़ियां बुक करेंगे, उतना ज्यादा उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। बट उबर ने इस चीज को समझा कि भैया ऐसे टाइम पे पब्लिक को बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और पब्लिक बाहर नहीं जा रही है, तो उससे बजाय उस टाइम पे पब्लिक को बोलने की बाहर जाओ हमारी सर्विसेज यूज करो, ये लो इतना इतना आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें। उबर ने एक अलग ही स्ट्रैटेजी खेली और उसको बोला कि भैया थैंक यू आप घर में बैठे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप नेशन को भैया और कमजोर होने से, कोविड को फैलाने से भैया रोक रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो उसके लिए हम आपको थैंक यू करते हैं कि आप अभी हमारी सर्विसेज नहीं ले रहे हो, एक बार जब सिचुएशन ठीक हो जाए तब आप फिर से हमारी सर्विसेज को ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे क्या इमेज जाती है, ठीक है, इससे मैसेज क्या सेंड करना चाह रही है उबर कि भैया हम पब्लिक के साथ हैं। ऐसा नहीं कि पब्लिक अगर कुछ हार्ड टाइम फेस कर रही है तो हम अपना धंधा, हम अपने रेवेन्यू प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बोले कि नहीं अब यूज करो यूज करो यूज करो, ऐसा नहीं कर रही है उबर, ठीक है। क्या कर रही है कि हमें आपकी भी चिंता है, आप अभी यूज मत करो, वही आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए अच्छा है, तो थैंक यू फॉर नॉट राइडिंग अस। और ये बहुत अच्छा सिंपल, ठीक है, सिंपल शॉर्ट स्वीट बढ़िया कैंपेन था, बहुत ही अच्छा पीआर कैंपेन था बाय उबर। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज बहुत तरीके के अपने पीआर कैंपेन्स वगैरह लेके आई थी, आप सोशल मीडिया पे अवेयर होगे तो आपको बिल्कुल बिल्कुल पता होगा। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया, क्या है, उबर का थैंक यू फॉर नॉट राइडिंग, ये कब चला था, इनके लॉकडाउन के समय में चला था, ठीक है, घर पे रहो, स्टे होम फॉर एवरीवन हु कांट, ठीक है, उबर खुद बोल रहा था सामने से कि हमारी सर्विसेज मत यूज करो, घर में रहो, सेफ रहो, सिंपल, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो पब्लिक रिलेशन वाला जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। नीचे है नेक्स्ट टॉपिक एडवर्टाइजमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का, ये पार्ट बनेगा अपने नेक्स्ट लेक्चर का। तो इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं पे रैप अप करना चाहूंगा, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो, प्लीज।